बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी में पहला टॉपिक हमारा है वर्क। वर्क को डिटेल में पढ़ने के बाद हम एनर्जी की जानिब जाएंगे और उस पर बाद में न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि वर्क क्या चीज़ है। वर्क अगर आप प्रैक्टिकल्स एग्जांपल देख लें, हम जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो बॉडी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है या उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है। लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पर ये पड़ा हुआ है, इसकी मास m है और मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स को कैपिटल F से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या करता है, अगर ये फोर्स किसी लिमिट से ज़्यादा है तो ये मास अपनी जगह, अगर ये पॉइंट A है तो ये अपनी जगह छोड़कर पॉइंट B की जानिब चलना शुरू कर लेता है। तो हम क्या कहते हैं कि इस फोर्स ने कोई वर्क परफॉर्म कर लिया है इस ऑब्जेक्ट पर। जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक चलती है तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल एस या स्मॉलर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बुक में कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इसको अगर हम एस से रिप्रेजेंट कर लें तो हम कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को वर्क कहा जाता है। लेट मी रिप्रेजेंट वर्क बाय डब्ल्यू। अगर वर्क को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लें तो फिर ये फॉर्मूला वर्क के लिए इस तरह हो जाता है कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। आप इसको स्मॉलर डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। वर्क एक कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट हमारे पास ये जूल है। अगर इसकी यूनिट हम जूल लिख लें तो जूल पर किस चीज के बराबर होगा। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने वर्क के लिए जो डिफिनेशन डिराइव की तो उसने उस यूनिट को अपना नाम दे दिया। लेकिन अगर हम मालूम करना चाहें कि वन जूल ऑफ इन वर्क कितना होता है तो हम इस फॉर्मूला से मालूम करेंगे। वन जूल इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स की एस आई यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन। फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन। बीच में प्रोडक्ट है और एस, एस यानी लेंथ, इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। तो वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन मीटर। फाइव जूल कितना होगा, फाइव न्यूटन मीटर। दूसरा यूनिट भी हम इसका लिख सकते हैं लेकिन यहाँ तक फिलहाल काफ़ी है। मैं शॉर्टली फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्क क्या है। वर्क एक जब एक बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को फिर हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अगर वर्क को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और इसका यूनिट हमारे पास जूल है जो कि वन न्यूटन मीटर के बराबर है। अच्छा, ये बाज़ औक़ात एक और काम भी हो जाता है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल हॉरिजेंटली ही उस पर फोर्स अप्लाई हो जाए, किसी दूसरे डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। लेट अस सपोज यहाँ से किसी ने रोप इसके साथ अटैच की हुई है और इस डायरेक्शन में कोई बंदा यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर कोई बंदा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जैसे यहाँ पर कोई बॉडी पड़ी हुई है और मैं इसको इस तरह से खींच रहा हूँ तो यहाँ पर एक एंगल बन रही है। अगर इस तरह से हो जाए तो फिर हमारे पास वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो फिर हम यहाँ से जो एंगल बनती है वो भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे। दो किस्म के एंगल अब हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा होगा, आपने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा हुआ है, एक एक्स कंपोनेंट के लिए होती है और एक वाई कंपोनेंट के लिए। तो ये एक्स कंपोनेंट की जानिब ये बॉडी मूव कर रहा है
तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। और ये कॉस किसके साथ एसोसिएटेड है, ये फोर्स के साथ है, तो एफ कॉस थीटा। तो अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। फिर हमारे पास फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा। एक और कंसेप्ट भी आप जहन में रखें, जीरो फोर्स या मिनिमम फोर्स और दूसरा मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मैक्सिमम वर्क कब परफॉर्म होगा या डन होगा, और मिनिमम वर्क कब वो है कवर होगा। अगर ये इस वाइट बोर्ड पर मैं फोर्स अप्लाई कर लूँ तो क्या मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता। तो मैंने तो फोर्स अप्लाई कर लिया है लेकिन इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, तो हम कहेंगे कि इसने कोई भी वर्क यहाँ पर परफॉर्म नहीं हुआ, मेरी जितनी भी एनर्जी जाया होगी लेकिन कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस जीरो है। अगर एक बॉडी है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव कर रहा है, तो फिर फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन फिर भी हो सकता है ये वर्क मैक्सिमम ना हो, इसी फोर्स पर ज्यादा वर्क परफॉर्म हो सकता था। जैसे इस फोर्स ने हॉरिजेंटली इस पर एक्ट किया हुआ है, इस बॉडी पर ये फोर्स हॉरिजेंटली है, एक साइड पर है, तो जितना भी ये फोर्स है ये उस पर वर्क परफॉर्म कर सकता है, कोई भी इसमें ज़ाया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखें, इसकी कुछ एनर्जी ज़ाया होगी इस फोर्स पर। यहाँ पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इस फोर्स पर ज़्यादा काम वर्क परफॉर्म हो सकता है अगर ये हॉरिजेंटली हो। अगर ये एंगल ज़्यादा हो जाए तो फिर वर्क मज़ीद कम होगा। इसी तरह अगर ये फोर्स यहाँ पर एक्ट करे फिर क्या होगा, ज़ीरो वर्क परफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे तो जा नहीं सकता, इस साइड पर ये चलना शुरू करेगा या इस साइड पर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। तो जब ये नीचे नहीं जा सकता, हम कितना भी फोर्स लगाएं होगा क्या, वर्क परफॉर्म नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर एंगल जो बन रही है इस साइड को, अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। कॉस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम यहाँ पर कॉस 90 पुट कर लें, W इज इक्वल टू एफ कॉस 90 इंटू एस, तो ये कॉस थीटा किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो, और ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या कहेंगे, वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो और मिनिमम, ज़ीरो वर्क, ज़ीरो जूल वर्क यहाँ पर परफॉर्म होगा या मिनिमम वर्क परफॉर्म होगा यहाँ पर। अगर ये एंगल यहाँ पर कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, कम हो रहा है तो वर्क कोई ना कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा, लेकिन अगर ये थीटा ज़ीरो के बराबर हो जाए, इस तरह यहाँ पर है, डायरेक्ट इसकी डायरेक्शन भी इस साइड पर है, एफ की डायरेक्शन भी इस साइड पर है और एस की डायरेक्शन भी इसी साइड पर है, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल बनती है वो कितनी होती है, ज़ीरो डिग्री की होती है। तो एफ और उसके साथ कॉस थीटा, कॉस ज़ीरो वो वन के बराबर है, तो ये वन हो जाएगा एफ इंटू एस। यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि वर्क कितना होगा, ये मैक्सिमम होगा, सिर्फ और सिर्फ एंगल पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कहेंगे कि तीन चीज़ों पर वर्क डिपेंड करता है, नंबर फर्स्ट फोर्स, नंबर सेकंड डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर थर्ड एंगल। इन तीनों चीज़ों पर वर्क डिपेंड करता है। अब वर्क के टॉपिक के साथ हमें एक एग्जांपल दिया गया है जो कि किसी एंगल पर है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि ए पर्सन पुल्स अ सूटकेस थ्रू द एयरपोर्ट एट 45 डिग्रीज एंगल। एक बंदा है जो एयरपोर्ट के फर्श पर एक सूटकेस को एक रोप के साथ खींच रहा है। जिस एंगल के साथ ये सूटकेस मूव कर रहा है तो वहाँ पर एंगल बन रहा है
45 यानी फोर्स वो 45 डिग्री के साथ है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, 45 डिग्री के साथ है। द टेंशन इन द रोप इज 20 न्यूटन। वो बंदा उस तार पर, उस रोप पर जो फोर्स लगा रहा है वो 100 न्यूटन का है, तो 100 न्यूटन और एंगल जो है वो 45 है। हाउ मच वर्क डज द टेंशन डू। वो रोप इस सूटकेस पर कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है। इफ द सूटकेस इज पुल्ड 100 मीटर, अगर सूटकेस 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो गिवन डेटा कुछ इस तरह से है। के हमें दिया गया है फोर्स, टेंशन और फोर्स दोनों एक ही चीज़ है। हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कहते हैं, और अगर हम वही फोर्स एक रोप के जरिए किसी बॉडी पर लगा रहे हैं तो फिर उसको टेंशन कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो फोर्स हमें दिया गया है वो 20 न्यूटन का है और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 100 मीटर, और एंगल है 45 डिग्री। मालूम क्या करना है, हाउ मच वर्क डज द टेंशन डू, वर्क कितना परफॉर्म हुआ है। तो रिक्वायर्ड है वर्क, सॉल्यूशन थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला हमने पढ़ा W इज इक्वल टू F cos थीटा S, F cos थीटा S, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, W इज इक्वल टू F cos थीटा S। तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट कर लें, W इज इक्वल टू F, F कितना है 20, कॉस अपनी जगह पर और थीटा की जगह, थीटा की वैल्यू 45 और S, S कितना है 100। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 20 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 200, 20 2000 इससे आ जाएगा। और कॉस 45 किस चीज के बराबर है, कॉस 45 बराबर है 0.707 के, 0.707 कॉस थीटा बराबर है, और 2000 20 मल्टीप्लाई 100 से आया। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा रिक्वायर्ड वर्क है। W इज इक्वल टू 114, और यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट हमने पढ़ा कि जूल है और न्यूटन मीटर है, ये हमारा आंसर हो गया है। मैं शॉर्टली रिपीट कर रहा हूँ, हमें फोर्स दिया गया है 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट इस सूटकेस ने कवर की है वहाँ पर वो है 100, और जिस एंगल के साथ उस सूटकेस को खींचा जा रहा है वो 45 है। हमें कहा गया है कि आप वर्क मालूम कर लें, वर्क के लिए मैंने फार्मूला लिखा W इज इक्वल टू F cos थीटा S, तो W इज इक्वल टू F की जगह 20, cos अपनी जगह पर, थीटा की जगह 45 और S की जगह 100, ये सारे वेरियूज हमें दिए गए हैं। मैंने पहले 20 और 100 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1, 2 और 3 जीरो लगाए और 2000 इससे हमारे पास आंसर आ रहा है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने मालूम किया तो cos 45 0.707 के बराबर है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 1414 जूल का वर्क हमारे पास आ रहा है।